जिस जगह पर दूसरों को समझना नामुमकिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही समझदारी है। सुविधा और सम्मान दूसरों को देना चाहिए, लेने की कामना नहीं रखनी चाहिए। जिस जगह पर हमारी कोई कदर ही ना हो, वहां जाना ही बेकार है। जीवन में सब कुछ छोड़ देने के बाद ही सब कुछ मिलता है। अपने टूटे फूटे घर में ठाट से रहना महलों में रहकर किसी की गुलामी करने से बेहतर है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वो मूर्ख है, अपने लिए दुख के बीज बोता है। गुलामी खुद का जमीर और ताकत दोनों को मार देती है। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेरे बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई यह है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। आप जो भी करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा है, वो एक मुर्दे के समान है। हर आदमी खुद को हमेशा सही और दूसरों को गलत सोचता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करके कुछ काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है। समय तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरती तो बस यादें हैं। अपनों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। बड़कपन वह गुण होता है जो किसी पद से नहीं बल्कि गुणों और संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो अपनों को अपना बनाए रखना है। मैं हर कदम पर हारा हूं, पर मेरा जन्म जीतने के लिए ही हुआ है। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, यह हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना चाहिए जो थोड़ी सी धूप लगते ही मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर स्थिति में झूमता रहे। आधे से ज्यादा रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पड़ सकता है। जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं होती। यदि आप दूसरों के दुश्मन नहीं बनना चाहते, तो खुद किसी के दुश्मन मत बनिए। जो किताब आपको सोचने पर मजबूर कर दे, असल में वही आपका जीवन बदल सकती है। सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं होती, बस अपने गुणों को चमकाइए।